आप हैं संवाददाता बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, छात्र सड़कों पर हैं, शिक्षक सड़कों पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में 5-स्टार होटल में आराम फरमा रहे हैं, विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे हैं। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है और दिल्ली संभालने का सपना देख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आपको सुनाते हैं। और पर लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारा जो स्थापना दिवस था 6 अप्रैल, उससे शुरुआत हम लोगों ने किया और आदरणीय कल 11 तारीख को हमारे महात्मा फूले की जयंती थी, उसमें भी लगभग 5,000 से अधिक लोग सदस्यता ग्रहण किए। आज पूरे बिहार में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं, जलाशय का सफाई या तालाब की सफाई या गांव में जो जहां छठ घाट है उसकी सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। और कल फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर पूरे बिहार में अभियान चलेगा और प्रत्येक बूथ पर हम लोग उनका मल्यार्पण करके ये शुरुआत करेंगे कि बाबा साहब के जो आदर्श थे उसको आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ पूरी सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। एकदम इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई का काम तो कर ही रहे हैं, शौचालय बना ही रहे हैं, जलाशय को भी ठीक कर रहे हैं और अब तो अमृत काल में तालाब भी बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भ्रष्टाचारी हैं उसका भी सफाई का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कर चुके। नीतीश कुमार जी दिल्ली में अहम बैठक किया है, केजरीवाल से मिले हैं, राहुल जी से मिले हैं, आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? स्वाभाविक है, वहाँ तो सारे कचड़े मिले हैं और कचरा का मतलब इसलिए मैंने कहा कि सब लोग वहाँ भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। लालू प्रसाद जी से जाकर चरणों में उन्होंने पहला काम आदरणीय नीतीश बाबू उनके चरणों में गिरे, फिर वहाँ से वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी के पास केजरीवाल के पास गए, तो ये सारे को आप जब देखेंगे तो ये सारे लोग इस देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। अब लगता है कि ये जो विपक्षी पहल है ये कारगर साबित हो पाएगी क्योंकि वो लोग काफी उत्साहित हैं। मैंने तो आज देखा किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको? यदि सब कोई मिल के कोई बात करते तो एक बात थी, ये तो एक 1-to-1 बात हो रही है और नीतीश कुमार जी करने क्या गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार की चिंता करनी चाहिए। बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी चरम पर सीमा पर है और लोग बेरोजगारी के लिए रोड पर आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी 5-स्टार होटल में आराम कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे सम्राट चौधरी, नवनियुक्त भाजपा के बिहार के अध्यक्ष हैं, आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं नीतीश कुमार के विरुद्ध, जदयू के विरुद्ध। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो स्वच्छता पखवाड़ा से लेकर 6 तारीख से 14 तारीख तक जो भाजपा के कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे, उसकी भी झांकियां थोड़ा सा आपको दिखा दें। सम्राट चौधरी जो है वो सफाई कर रहे हैं, तो आपने देख लिया किस तरीके से भाजपा साफ सफाई अभियान से लेके सामाजिक कार्यों को करते हुए अपने वोटरों तक पहुंचने की मुहिम जारी रखी हुई है। अब विपक्ष इसमें कितना पिछड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।